वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स है और इनके अंदर विनेशन और विंग्स की टाइप्स है। इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के जितने भी ग्रुप्स हैं, इनमें से इंसेक्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास विंग्स मौजूद होंगे और ये सिर्फ अडल्ट फॉर्म के अंदर होंगे। इमेच्योर स्टेज के अंदर इन इंसेक्ट्स के पास कोई भी विंग नहीं होंगे। अब नंबर ऑफ विंग्स वेरी करते हैं, ये टू पेयर्स भी हो सकते हैं या किसी के अंदर ये विंग्स नहीं भी होंगे। जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव पुराने इंसेक्ट्स हैं जैसे कि सिल्वर फिश, उसके बाद स्प्रिंग टेल, इनके पास कोई भी विंग मौजूद नहीं होता। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं जैसे कि हेड लॉस, पोल्ट्री लॉस, फ्लीज, इनके पास भी कोई भी विंग मौजूद नहीं होते। जो विंग्स हैं इन इंसेक्ट्स के अंदर जैसे कि आर्ट्स और टर्माइट्स के अंदर डिसीडियस हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल के अंदर कुछ अरसा इन विंग्स को अटैच करके रखते हैं और लाइफ का कुछ हिस्सा इन विंग्स के बगैर गुजारते हैं। ये विंग्स मूव करेंगे बाय द थोरेसिक फ्लाइट मसल्स अटैच टू देयर बेसिस, यानी फ्लाइट मसल्स इनके थोरेसिक रीजन पर अटैच होंगे। इन मसल्स की मूवमेंट की वजह से ये विंग्स मूव करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ विंग लैमिला इसे देखते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ विंग इसे भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले इनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। विंग की टाइप्स के अंदर या विनेशन की टाइप्स के अंदर हम कोस्टा, सब कोस्टल रीजन को देखेंगे, रेडियस को देखेंगे, मीडियन को देखेंगे, क्यूबिटस को देखेंगे, एनल वेन को देखेंगे, क्रॉस वेन्स कौन सी हैं इन्हें देखेंगे। यहाँ पर ये सारे रीजन्स बताए गए हैं। इनके अंदर हमारे पास ये वाला पोर्शन ह्यूमरल एंगल कहलाएगा, ये मसल और विंग के दरमियान एक एंगल है। उसके बाद बेसल सेल वाला रीजन आएगा, ये वाला आपको कोस्टल मार्जिन नजर आ रहा है। उसके बाद टीरोस्टिग्मा यहाँ पर मौजूद होगा, ये वाला एंगल एपिकल एंगल है और इसके अंदर रेडियस मौजूद है, ये वाला एपिकल मार्जिन है। और मीडियन रीजन यहाँ पर होगा, एनल एंगल है, क्यूबिटस रीजन यहाँ पर होगा, उसके बाद एनल मार्जन, वेनल फोल्ड, वेनल लोब और एनल वेन, ये सारे रीजन इस विंग के अंदर पाए जाएंगे। अब होता क्या है, जब विनेशन होगी तो वेन्स सबसे पहले बनेगी। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये बनती जाएंगी, इसके बाद इसके सेल्स जो हैं ये वेब बना देंगे। जब ये वेब बन जाएगा तो हम कहेंगे कि विंग की फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद रडमेड सेल्स कब बनते हैं, जब ये लाइंस अपने आप अपने विंग के अंदर क्रॉस करती हैं दूसरी विनेशंस को, तो विनेशन के क्रॉस होने की वजह से जो छोटे छोटे सेल्स बनते हैं इन्हें रडमेड सेल कहते हैं। टीरोस्टिग्मा आपने देखा है, उसके बाद मार्जिन और एंगल्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। विंग्स की मॉडिफिकेशंस हैं, फर्स्ट मॉडिफिकेशन को हम टेगमिना कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म के अंदर इसे हम टैगमिन कहते हैं। ये लेदरी फोर विंग्स हैं और ऑर्डर आर्थोप्टेरा, ब्लेटेरिया, मेंटोडिया, लाइक अलेट्रॉन इन ऑन बीटल्स एंड हेमी अलेट्रा ऑन बग्स, जैसे कि बीटल्स के ऊपर मौजूद होते हैं और हेमी अलेट्रा बग्स के ऊपर मौजूद होते हैं। इसी तरह टैगमिना जो हाइंड विंग और डेलिकेट विंग है उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल ग्रॉस हॉपर, क्रिकेट्स, कैटीडेट्स जिसका ऑर्डर आर्थोप्टेरा, कॉकरोचेस जिसका ऑर्डर ब्लेटेरिया, मेंटेड्स जिसका ऑर्डर मेंटोडिया है, ये सारे शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है अलिट्रा, जिसे सिंगुलर फॉर्म के अंदर अलिट्रॉन कहते हैं और ये हार्डर्ड हेवली स्क्लेरोटाइज्ड फोर विंग है और बीटल के अंदर मौजूद होगा और ये खुद को मॉडिफाई करेगा ताकि हाइंड विंग को प्रोटेक्ट कर सके। और एग्जाम्पल है बीटल जिसका ऑर्डर कलियोप्टरा है, यानी कलियोप्टरा के अंदर हैवली स्क्लेरोटाइज्ड विंग पाया जाता है जो हाइंड विंग की हिफाजत करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैवी विंग है जिसे एलिट्रा कहते हैं और इसके नीचे ये डेलिकेट विंग है जिसकी ये हिफाजत करेंगे। उसके बाद हेमी अलिट्रा है, हेमी अलिट्रा अलिट्रा की वेरिएशन है। अब इसके अंदर सारा का सारा विंग का पार्ट जो है ये हैवली स्क्लेरोटाइज्ड नहीं होता, सिर्फ प्रॉक्सिमल टू थर्ड पार्ट जो है ये हैवली स्क्लेरोटाइज्ड होगा, बाकी सॉफ्ट होगा। अब इसका फंक्शन क्या है, अनलाइक अलिट्रा जो हेमी अलिट्रा है ये फ्लाइट के अंदर इन्वॉल्व है। आपने याद रखना है जो अलिट्रा है वो प्रोटेक्शन का काम करेगा और हेमी अलिट्रा फ्लाइट का काम करेगा। और बग्स के अंदर ये पाया जाएगा, इसकी एग्जाम्पल या बग्स का जो ऑर्डर है इसे हेमिप्टेरा कहते हैं।
उसके बाद हेल्टर टाइप है, हेल्टर एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन है, और ये ऑर्डर डिप्टेरा के अंदर यानी ट्रू फ्लाइज के अंदर पाया जाएगा। इसमें जो हाइड विंग्स हैं ये रिड्यूस कर देंगे और नब्स यानी प्रोट्रूबरेंस आउटर ग्रोथ बनाएंगे जो बैलेंसिंग और डायरेक्शन का काम करेगा, और ये तमाम फ्लाइज जो कि डिप्टेरा से ताल्लुक रखती हैं उनके अंदर पाया जाएगा। यहाँ पर आपको ये नब नजर आ रही है, ये हेल्टर्स हैं जो कि बैलेंसिंग का काम करेंगे। हेमुलाय, हेमुलाय हनी बी के अंदर पाया जाता है। हेमुलाय टाइनी हुक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्रंट एज ऑफ हाइंड विंग के ऊपर पाए जाते हैं, यानी हाइंड विंग के यहाँ पर मौजूद होंगे। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर फोर विंग को अपने साथ अटैच करेंगे ताकि विंग का सरफेस एरिया बढ़ जाए और फ्लाइट के अंदर इन्हें हेल्प मिल सके। फ्री न्यूलम, ये लार्ज ब्रिसल है हाइंड विंग के ऊपर, और ये लेपिडोप्टेरा के अंदर पाया जाएगा। ये भी क्या करता है, ये दोनों विंग्स को फ्लाइट के दौरान जोड़ के रखेगा ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, और इंक्रीज होने की वजह से ये फ्लाइट के अंदर इन्हें आसानी मिल सके। उसके बाद मेम्ब्रेनियस विंग्स हैं, ये थिन और ट्रांसपेरेंट विंग्स हैं। एग्जाम्पल्स ड्रैगन फ्लाई, डैम फ्लाई जिसका ऑर्डर ओडोंटा है इनके अंदर पाए जाएंगे, लेस विंग्स जिनका ऑर्डर न्यूप्टेरा है इनके अंदर पाए जाएंगे, फ्लीस जिनका ऑर्डर डिप्टेरा है इनके अंदर पाए जाएंगे, बीज और वेब्स जिनका ऑर्डर हेमनोप्टेरा है इनके अंदर पाए जाएंगे, टर्माइट्स जिनका ऑर्डर आइसोप्टेरा है इनके अंदर पाए जाएंगे। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो आपको विंग नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे मेम्ब्रेनियस विंग हैं जो ड्रैगन फ्लाई के अंदर दिखाए गए हैं। स्केल्स, सम इंसेक्ट्स के अंदर लार्ज स्केल्स होते हैं और ये स्केल्स इनके विंग को कलरफुल बनाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, मॉथ और स्किपर जिसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, कैडिश फ्लाइज हैं इनके अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पर आप लार्ज स्केल देख सकते हैं जो इस बटरफ्लाई को मुख्तलिफ कलरेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये वेनेशियन की टाइप है, फर्स्ट है हेमुलाय, हेमुलाय आपने पहले पढ़ा है, हाइंड विंग के फ्रंट एज के ऊपर हुक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि हाइंड विंग और फ्रंट विंग को आपस में ज्वाइंट करते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो और फ्लाइट के अंदर इन्हें हेल्प मिल सके। उसके बाद एम्प्लेक्सीफार्म, एम्प्लेक्सीफार्म के अंदर कोई भी हुक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रॉडली ब्रॉड विंग्स होने की वजह से ये विंग्स आपस में अटैच होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। फ्रीनेट, फ्रूट सकिंग माउथ के अंदर पाए जाएंगे, इनमें मेल फ्रीनेट और फीमेल फ्रीनेट दोनों अलग अलग हैं। इसमें ये होता है कि जो ह्यूमरल लोब है यहाँ से एक फ्रीन्यूलम निकलेगा, ये फ्रीन्यूलम जो नेक्स्ट इसके पास विंग का पार्ट होगा उसके रेडियल वेन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी विंग कपलिंग करेगा, इसे हम फ्रीनेट या मेल फ्रीनेट कपलिंग कहते हैं। अब जो फीमेल फ्रीनेट कपलिंग है इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, जो फ्रीन्यूलम है ये टफ्ट की फार्म में होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये टफ्ट की फार्म के अंदर मौजूद है, तो जब ये अटैच होगा तो इसे हम फीमेल फ्रीनेट कपलिंग कहते हैं। उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे। आपने इन्फॉर्मेशन कॉर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।